एक्टिविटी को हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। कौन से इसको अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इस ये तरीका को अपना रही हूँ। सो हमने दिया जला दिया और वी कैन सी सम चेंजेस। जैसे मैंने कैंडल जलाया उसके बाद ये ग्लास रखा तो इसके अंदर में जो ऑक्सीजन थे कैंडल ने कंज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसके बाद में इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसके वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ। एंड वी ऑल नो कि प्रेशर मूव्स फ्रॉम एयर प्रेशर जो है हायर टू लोअर में जाती है। बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा था, अंदर का एयर प्रेशर कम है जिसके वजह से सारा एयर जो है पानी के साथ में अंदर को रश किया, इट मूव्स फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। और आप नंबर सेकंड में भी देखिएगा इस एक्टिविटी से दो हम सकते हैं। दूसरा है कि फॉर कंबशन ऑक्सीजन इज द मेन फैक्टर। बिना ऑक्सीजन का कोई भी तरह का कंबशन करना मुश्किल है। जब तक ऑक्सीजन इसमें था तब तक कैंडल जल रही थी, जैसे ऑक्सीजन खत्म हुआ कैंडल जो है बुझ गया। तो इस एक एक्टिविटी से हम दो कॉन्सेप्ट बच्चों का, ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है लेकिन जब उनको आप ऐसे मैजिक करके दिखाओगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेगा कि एयर मूव्स फ्रॉम द हायर टू अ लोअर प्रेशर एंड ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन।